हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज पर हमारे स्टार्स, एक दफा जोरदार वेलकम इन सब के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना ये प्रोग्राम नेशनल एंथम से। अब हमारी बारी। हम गुजारिश करेंगे कि या जो पता ना हो तो आप आजम भाई के डर जीत रहा है या हार रहा है। और इसी तरह नबील हमारे साथ होते हैं, ये सोशल मीडिया तमाम कोटा के लीडर्स का मैनेज करते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां एक दफा। अब्दुल नासिर इस दफा कोटा के लीडर की स्क्वाड का हिस्सा है और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्वेटा वालों ने इतना हिम्मत दिया और सवाल करेंगे और वो ये है कि आप क्वेटा दूसरी बार आए हैं, आपके क्या व्यूज हैं? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सबको। क्वेटा जब पहले साल आई रिमेंबर हम लोगों ने क्वेटा की कैंपेन ज्वाइन की थी, हम सबसे हल्की टीम थे और कोई भी टीम बाकी की टीम हमें कहीं भी रेट नहीं करती थी और कीमत में भी ये टीम सबसे कम थी। और जब हमने टीम बनाई लोग कहते थे कि ये कहीं नहीं जा पाएंगे। ये वही क्वेटा है कि जिन्होंने चार पाँच साल PSL के हुए हैं, हर दफ़ा क्वालिफायर्स खेले हैं, फाइनल खेले हैं, फाइनल जीता है। तो वही टीम जिसको लोग कह रहे थे कि ये कहीं भी क्वालिफाई नहीं करेगी, आज वही टीम जो है हर दफ़ा क्वालिफाई करती है, सेमीफाइनल फाइनल खेलती है, टाइटल डिफेंड कर रहे हैं इस दफ़ा। और ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते थे, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे टीम के ऑनर का, मिस्टर नदीम उमर का, और जो कि एक इंतहाई नफीस इंसान है, बड़े ऑनेस्टी के साथ वो टीम बनाते हैं और टीम को लेके चलते हैं। आज़म खान हैं, आज़म भाई एक अनसंग हीरो हैं, लेकिन जो टीम पिक करते हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जो कम्बिनेशन आप लोग टीवी पे देखते हैं वो कम्बिनेशन ये और हमारा एक नबील या भाई नबील ये हमारा जो है ना, ये लोग टीम बनाते हैं। और उसके बाद जो फाइनल टच देते हैं वो मोइन खान है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मोइन भाई, और वो हमारी इस टीम के कोच हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब लोग यहाँ नहीं हैं, वो ज़रूर यहाँ आना चाहते थे, लेकिन PSL की प्रमोशन हो रही हैं, वो लोग सारे कमिटमेंट हैं उन लोगों की कराची में। और उन लोगों का पैगाम आपके लिए यही है, हम सब का पैगाम, कि जिस तरह हम लोगों को आप प्यार करते हैं प्लीज़ उसी तरह करते रहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग क्वेटा ट्रॉफी उठा के आए थे, खुदा की कसम मैंने इतना फायरी क्राउड कहीं नहीं देखा जो क्वेटा का था। मैं उनसे बात करूंगी।
देखिए पहले जो प्रेशर्स थे वो डिफरेंट थे. पहले ये था कि हम लोगों ने बीइंग अंडरडॉग अपने आप को प्रूव करना है. अब प्रेशर्स ये हैं कि हम चैंपियंस हो चुके हैं. अब आप लोग सब पूरा पाकिस्तान इवन अब्रॉड भी सब एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि यू नो हम चैंपियन फिर से बनेंगे. तो अब प्रेशर्स डिफरेंट है. अब हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. हमें इस दफ़ा अपने टाइटल का दिफा करना है. लेकिन वो हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे. हमेशा की तरह हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी. जो जो आप लोग सपोर्ट है, जो आप लोगों की दुआ है, वो हम लोगों को चाहिए होगी. हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपना टाइटल डिफेंड कर सकें. बहुत शुक्रिया. तो जी हमारे साथ एहसन अली भी मौजूद हैं जो कि इस दफा टीम कोटा में चैंपियंस को ज्वाइन किया है. तो क्या फीलिंग्स हैं और क्या आपके इरादे हैं कोटा के लिए? तक मैं सेमीफाइनल फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी और टीम हमारी जीती थी. तो इस बार कोशिश है कि पहले से बेहतर खेल और इवनिंग पहले जिताने की कोशिश करते रहें. इंशाल्लाह जी. तो हमारी गाय को लगे तो हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हमें शहजाद से रिलेटेड ही होगा. ठीक है. तो फर्स्ट खिलाड़ियों को टीम में रखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको टीम में रखते रहेंगे. नदीम उमर साहब, जहां तक बात है टीम की, हमेशा हम सब की कोशिश होती है कि टीम जीते. और कोयटा की आवाम की दुआओं से और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से इंशाल्लाह हम अपने एजाज का दिफा करेंगे और ट्रॉफी हम इंशाल्लाह उनकी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर विविन रिचर्ड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है कि जब हम चैंपियन बन के यहाँ पे आए थे और जो रिसेप्शन हमें कोयटा वालों ने दिया था, आई थिंक दैट वाज अनबिलीवेबल. और मोइन भाई ने भी कहा था कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा क्राउड मैंने देखा, ऐसा रिसेप्शन किसी टीम को दिया है. तो आई थिंक ये कोयटा वालों की और बलूचिस्तान वालों की जीत थी. तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोयटा PSL में पहली टीम बनेगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना टाइटल डिफेंड करेगी. इंशाल्लाह जी. तो आप लोगों में से कोलकाता की शर्ट्स कौन जीत? आएगा कोयटा गीत हवाओं में उड़ाए.